हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम 2 साल के बेबी के लिए ये ब्यूटीफुल से क्रोशेट स्वेटर को बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर नेवी ब्लू कलर की यार्न ली है और 4.5 का क्रोशेट हुक लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। इन 3 चेन्स को भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 3rd डबल क्रोशिया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। थ्री डबल क्रोशिये का ये हमारा 3rd क्लस्टर है। अभी हम यहाँ पर 3 क्लस्टर और बनाएंगे, तो टोटल हम 6 क्लस्टर बनाएंगे इस राउंड में। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और 1st डबल क्रोशिये की 3rd चेन से इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। 1 चेन बनाएंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। मैजिक रिंग के थ्रेड को अच्छे से पुल कर देंगे और टाइट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे 6 कॉर्नर्स रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी यार्न को यूज़ करेंगे, तो चेन 2 के स्पेस के अंदर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। इसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे और चेन 3 को भी 1 डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास। 2 चेन बनाएंगे, इसी स्पेस में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। नेक्स्ट स्पेस में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया, चेन 2, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह सारे चेन 2 के स्पेसेस में हम 3 डबल क्रोशिया, चेन 2, 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब इसे 3rd चेन से हम स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। 2nd राउंड कंप्लीट हो गया। 1 चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। अब 3rd राउंड में कॉर्नर्स के बीच के स्पेस के अंदर हम थ्रेड को ऐड करेंगे इस तरह से, देखिए बीच में, और 3 चेन बनाएंगे।
दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे, क्योंकि चेन थ्री को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। सेकंड डबल क्रोशिया, ये हमारा थर्ड डबल क्रोशिया है। अब एक चेन बनाएंगे और चेन टू के स्पेस के अंदर यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया, चेन टू थ्री डबल क्रोशिया करेंगे, थ्री टू चेन, फिर से थ्री डबल क्रोशिया सेम स्पेस के अंदर, वन टू एंड थ्री, एक चेन बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस के अंदर, फिर से थ्री डबल क्रोशिया करेंगे, अब फिर से एक कॉर्नर आ गया, यहां पे फिर से हम थ्री डबल क्रोशिया, चेन टू थ्री डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया करेंगे, वन टू थ्री, और अब नेक्स्ट कॉर्नर में फिर से थ्री डबल क्रोशिया, चेन टू थ्री डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, एक चेन बना के थर्ड चेन से इसे ज्वाइन कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। फोर्थ राउंड में हम थ्री डबल क्रोशिया के स्पेस के अंदर थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड डबल क्रोशिया है ये हमारा, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में फिर से थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर राउंड में ये बढ़ते जाएंगे, लेकिन कॉर्नर्स हमारे सिक्स ही रहेंगे। एक चेन बना के अब कॉर्नर आ गया है, तो यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया, चेन टू और थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से थ्री डबल क्रोशिया सेम स्पेस के अंदर बनाएंगे, फिर से हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे थ्री डबल क्रोशिया के स्पेस के अंदर, एक चेन बनाएंगे, फिर से थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रीवियस राउंड में हमारे पास एक डबल क्रोशिया का सेट था, इस राउंड में हमारे पास दो क्लस्टर हो गए हैं। अब फिर से कॉर्नर आ गया, यहाँ पे फिर से हम थ्री डबल क्रोशिया, चेन टू थ्री डबल क्रोशिया करेंगे। इसी स्पेस में फिर से थ्री डबल क्रोशिया, एक चेन फिर से बनाएंगे। ये इस शेप में इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए, यहां पर मैंने इसके 10 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। दो कॉर्नर छोड़ के थर्ड कॉर्नर से हम इसे कनेक्ट करेंगे इस तरह से। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट का पोर्शन आ जाएगा और ये हमारा स्लीव्स का पोर्शन आ जाएगा। इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह के मैं दो पैटर्न रेडी करूंगी। अब देखिए, हम इसके फ्रंट पार्ट को इंक्रीज करेंगे, हमें शोल्डर पार्ट को इंक्रीज नहीं करना है। तो फ्रंट को इंक्रीज करने के लिए हम थ्री कॉर्नर्स को और इंक्रीज करेंगे। यहां से यहां तक हम इसे इंक्रीज करेंगे। तो देखिए, चेन टू के स्पेस के अंदर हम थ्री चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि चेन थ्री को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। एक और डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे स्पेस के अंदर,
फिर से 3 डबल क्रोशिया, चेन वन, 3 डबल क्रोशिया, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 3 कॉर्नर्स को रेडी करेंगे। उसके बाद हमने 5 राउंड्स फ्रंट पिन क्रीज किए हैं। देखिए यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ से इस तरह से हमने 3 कॉर्नर्स को इंक्रीज किया है 5 राउंड के साथ। अब हम 2 राउंड नीचे के लेंथ के लिए बढ़ाएंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक। ये देखिए मैंने 2 पार्ट इसके रेडी कर लिए हैं और नीचे हमने 2 रोज बढ़ा ली हैं दोनों तरफ। अब हम स्लीव्स में भी 2 रोज और ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 रोज और बनाएंगे। चेन 2 के स्पेस से हम 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन को भी हम 1 डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, फिर से स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 रो और बनाएंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स की भी 2 रोज और ऐड कर ली हैं। अब हम स्लीव्स में बॉर्डर बनाएंगे, तो 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, और नेक्स्ट स्टिच में हम 1/2 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1/2 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से 1/2 डबल क्रोशिया। सारे स्टिचेस में 1 1/2 डबल क्रोशिया करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहां पर 2 चेन बनाएंगे और इसे टर्न कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड में फिर से 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड में और फोर्थ में हम डिक्रीज करेंगे, सब में से 1 साथ निकाल देंगे। नेक्स्ट 2 में 1 1/2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2। थर्ड एंड फोर्थ में फिर से डिक्रीज करेंगे, 1 बार लेंगे, फिर फोर्थ वाले में लेंगे और सारे लूप्स में से निकाल देंगे। फिर से 2 1/2 डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट 2 स्टिच के अंदर और थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में हम फिर से डिक्रीज करेंगे,
फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड और फोर्थ को एक साथ करते हुए डिक्रीज करेंगे, एक साथ, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड और फोर्थ को डिक्रीज करेंगे। रो के एंड पे हम फिर से दो चेन बनाएंगे, इसे टर्न करेंगे और प्रीवियस मेथड के साथ यहाँ पर हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, अब थर्ड और फोर्थ को फिर से हम डिक्रीज करेंगे, ये फोर्थ है, अब फिर से एक दो, थर्ड और फोर्थ में फिर से डिक्रीज करेंगे, इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में हम थ्री हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू टू थ्री, फोर और फिफ्थ को डिक्रीज करेंगे, फिर से थ्री हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे थ्री स्टिचेस के अंदर, टू एंड थ्री, फोर और फिफ्थ को फिर से डिक्रीज करेंगे। ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं, अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है और नीचे बैक साइड, अब बैक साइड को हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से दोनों को पकड़ेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से धागा लेंगे, चेन बनाएंगे, दोनों तरफ के स्टिचेस को उठाते हुए हम स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे भी क्रिएटिव संसार बा नेहा शर्मा को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो इसी तरह दोनों साइड के स्टिचेस को उठाते हुए हम स्लिप स्टिच की हेल्प से बैक साइड को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए बैक साइड तो हो गई हमारी ज्वाइन, अब हम शोल्डर्स को भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स भी हमारी ज्वाइन हो गई हैं, स्लिप स्टिच की हेल्प से हमने इसे भी ज्वाइन कर दिया है। और जो हमने फ्रंट पे 5 रोज को इंक्रीज किया था वहां तक हमने शोल्डर्स को ज्वाइन किया है। अब हम फ्रंट के लिए बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए नेक लाइन से हम इसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम दो चेन बनाएंगे, वन टू, नेक्स्ट स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे,
नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया का बॉर्डर बनाएंगे, तो सारे स्टिचेस में हम हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम तीन हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। सारे स्टिचेस में अब हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने थ्री हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब यहां से इसे पूरा करते हुए बैक साइड से लाते हुए फ्रंट के कॉर्नर पे लाएंगे और यहाँ पर भी हम थ्री हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हम दूसरे साइड की नेकलाइन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पर थ्री हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था वहां से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट ज्वाइनिंग में फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह हम इस राउंड को यहाँ से कंप्लीट करते हुए दूसरी साइड लेके आएंगे इस तरह से, और यहाँ के स्पेस में थ्री हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम एक राउंड और बनाएंगे। यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस राउंड में भी हम। इसी तरह इसे कंप्लीट करते हुए यहां तक लाएंगे।
दूसरी साइड हम यहाँ पर बटन होल्स बनाएंगे, तो आपको वहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम बताते हैं। इस साइड हम 5 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3, 3, 4, 5। अब एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके सेकंड स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच के अंदर फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम एक बटन होल बनाएंगे और इस साइड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने 5 बटन होल्स बनाए हैं यहाँ पर। अब देखिए नेक लाइन को हम बनाएंगे, यहाँ पर सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा बेबी स्वेटर है रेडी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।